बिहार के तमाम संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी और जितने भी लोग सरकार के भिन्न भिन्न विभागों में किसी भी पद पर, छोटे से छोटे पद या बड़े से बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं, वह आज अपनी कान और आंख को खोलकर सुन और समझ ले कि बिहार में संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई हम इस चैनल के माध्यम से लड़ रहे हैं। और हम जो है कि प्रत्येक रोज सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ और आपकी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी और सरकार के बीच एक कड़ी का काम हम कर रहे हैं। हमारे ही आवाज़ का असर है कि बिहार में समय समय पर संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों का मानदेय वृद्धि करने को सरकार मजबूर होती है और सरकार को जो है कि सरकारी कार्यों का याद दिलवाने के लिए भी एक आदमी की जरूरत होती है। इतनी संख्या में संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी कार्य करते हैं और यह एक चैनल संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मियों की आवाज़ को लगातार सरकार तक पहुंचाने का काम करती है और जरूरी भी है। इतनी ज़्यादा संख्या में संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी हैं और आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी और संविदा कर्मियों की आवाज़ सोशल मीडिया पर बुलंद हो, इसके लिए एक चैनल की आवश्यकता तो 100% थी ही और उस कमी को पूरा करने का काम हमने किया है। और यह सारी बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग नकारात्मक जो है कि बातें चैनल पर किए थे, उनको जो है कि सोचना चाहिए कि यदि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों की आवाज़ बुलंद नहीं किया जाए तो सरकार जो है कि और सुसुप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ हम सिर्फ आवाज़ बुलंद करने का काम नहीं करते हैं, हम आप सभी को वादा और विश्वास के साथ आपको कहना चाहते हैं कि कर्मी चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, उसका वेतन मान निश्चित है और संविदा कर्मी के जीवन में खुशहाली और उनके भविष्य के प्रति उज्जवल कार्यवाही सरकार कर रही है। और यह सारी कार्यवाही का परिणाम यह होगा कि संविदा कर्मी का वेतन 30,000 से 35,000 इंक्रीज होगा और संविदा कर्मी को TA DA मिलेंगे, भाता मिलेंगे, ग्रेजुएटी मिलेगी, NPS का लाभ मिलेगा। अनुकंपा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आपको सहयोग करना है और आप अपना सहयोग व्यक्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर आप जो है कि सब हमको सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, विधानसभा का आगामी चुनाव होने जा रहा है और चुनाव से पूर्व सरकार ने 10,00,000 नौकरी, 10,00,000 रोजगार के साथ साथ संविदा नियोजित कर्मियों के कल्याण की बात कह रखी है, जिसे सरकार को 100% पूरा करना है और यह पूरा करवाने का काम हम कर रहे हैं। संविदा कर्मियों का वेतन इंक्रीज होने जा रहा है, चाहे वह छोटा से छोटा संविदा कर्मी हो या बड़ा से बड़ा कर्मी हो, सभी कर्मियों के वेतन इंक्रीज होंगे और 30,000 से 35,000 रुपये उनको मिलेंगे। चूँकि सरकार को जो है कि बाध्यता है सुप्रीम कोर्ट का 12 मार्च 2024 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके जो है कि परिणाम स्वरूप बहुत सारे संगठन न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी नीतीश सरकार को है और नीतीश सरकार अंततोगत्वा वही फैसला लेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने को कहा है। ग्रेजुएटी अनुकंपा और जो है कि NPS यानी कि न्यू पेंशन योजना, यह संविदा कर्मियों का अधिकार है, सबसे बड़ा संविदा कर्मियों का अधिकार है सेवा समायोजन, और 60 वर्षों के लिए सेवा समायोजन की कार्यवाही नीतीश सरकार कर रही है और तमाम लोगों का सेवा समायोजन होगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सारे संविदा कर्मियों का वेतन भी इंक्रीज होगा और वह सारी कार्यवाही अब जो है कि सामने आने वाली है। सारे संविदा कर्मियों का जो है कि सूचीबद्ध तरीके से एक एक करके वेतन वृद्धि करने का काम बिहार की सरकार करेगी और बिहार सरकार के इस कार्यवाही का प्रतिफल सारे संविदा कर्मियों को मिलेगा और एक एक संविदा कर्मी जो है कि अपने जीवन में खुशहाली अनुभव करने का काम करेगा। महंगाई चाहे जितनी बढ़ गई हो, लेकिन संविदा कर्मी का वेतन यदि मूल वेतन 35,000 रुपये किया जाता है तो आर्थिक रूप से संविदा कर्मियों को बहुत बड़ा जो है कि सपोर्ट सरकार के तरफ से प्राप्त होगा। और यह जो है कि 30,000 से 35,000 मानदेय की बात बिहार सरकार ने की है और विकास आयुक्त ने जो है कि 60,000 तक इंक्रीज करने का काम किया है,
तो सारे लोग को जो है कि हमको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।